चार्ज पर 70 किलोमीटर चलिए। माशाल्लाह, एक दफ़ा चार्ज करने पर 70 किलोमीटर। अच्छा, चार्जिंग कहाँ से होती है इसकी बैटरी की? चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे लगी है। अच्छा, आगे पे साइड है देखा? नहीं, आइडिया तो मेरे पास था ही, क्योंकि मैंने इसको पहले साइकिल भी बनाई थी इलेक्ट्रिक। ये इसकी चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ से चार्ज होती है। अच्छा, ये भी वाटरप्रूफ है। लैपटॉप कितना है इसका? अडॉप्टर है, जो आप प्लग करेंगे चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। चार्जर भी फुली ऑटोमेटेड है, जैसे ही बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी खुद ही कट ऑफ कर देगा। अगर इसके दो सिस्टम रखे हैं, अगर चार्जर काम नहीं करे तो बैटरी के अंदर BMS लगा हुआ है, जो कि चार्जर अगर काम नहीं करेगा बैटरी फुल चार्ज होगी तो वो भी कट ऑफ कर देगा बैटरी। चार्जर भी खुद ही डिज़ाइन किया आपने इसका? नहीं, चार्जर तो मैंने परचेज किया था। ये अभी ऑन हो गई, ठीक है। ये इसका बैटरी इंडिकेटर है, अभी बता रहे कितनी परसेंट बैटरी चार्ज है एट अ टाइम, ये वोल्टेज ही बताएगा। ये 75 वोल्ट है अभी। तो मैक्सिमम कितना वोल्ट होता है? मैक्सिमम 80 वोल्ट तो क्या थी, 82-80 वोल्ट। उससे पता चलता है कितनी चार्ज है। हाँ, कितनी चार्ज और कितनी डिस्चार्ज है। पहले मोड के ऊपर 60 तक जाती है। अच्छा, ये सब फील चलना स्टार्ट हो गया। माशाल्लाह, जबरदस्त, माशाल्लाह। बगैर आवाज़ की चलेगी? बगैर आवाज़। ये है ना 3 स्पीड मोड है। अच्छा, मैं जैसे गियर होते हैं ना वैसे 3 स्पीड मोड है। ये इसका सेकंड मोड है। अच्छा, ये थर्ड मोड है। ये अभी 1-2 बार ये कहाँ की? ये मैंने मंगवाया था चाइना, ये यहाँ पे नहीं मिल रहा था। अच्छा, इसके साथ रिवर्स फॉरवर्ड का भी है। अच्छा, लेकिन अभी उसके कनेक्शन मैंने नहीं किए। नहीं, रिवर्स भी जाएगी? रिवर्स भी जाएगी। अच्छा, अभी इसके अंदर आगे जाके मैं इसके अंदर डायनामो ऐसा लगाऊंगा कि इसको चार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सेल्फ चार्ज होगी, खुद ही चलेगी। यानी चार्जिंग की कम ज़रूरत पड़ेगी? चार्जिंग की अभी आपके कॉस्ट। हाँ, वालिद क्या करते हैं? वालिद सिविल इंजीनियर। अच्छा अच्छा, एक बात ये है कि ये आपने एक बना दी है, यहाँ पर बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो अगर ये सब बनवाना चाहें तो बना देंगे। हैं, हम अभी ऑफर कर रहे हैं कि जो कुछ हमें, आप हमारे पास अपनी बाइक लें, हम आपको कन्वर्ट करके देंगे। हम ये आपको बैटरी बॉक्स बना के देंगे और मोटर वगैरह सब फिट करके देंगे। तो कितना खर्चा आता है इस पे? ₹1 लाख। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक का। लेकिन आप ये देखें, आपके पास 2.5 से 3 साल के अंदर इसके पैसे वापस आएंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस के ऊपर, क्योंकि इसमें आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी ना। अच्छा, इसमें यानी फ्यूल जो हम पेट्रोल डलवाते हैं उससे कम खर्चा आएगा बिजली से?